यूपी बीएड के एग्जाम समाप्त हुए हैं और मिली जानकारी के अनुसार दो सेंटरों पर कोरोना संदिग्ध की पहचान हुई है। आखिर किन दो सेंटरों पर कोरोना संदिग्ध की पहचान हुई है और इसके कारण बीईओ एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यूपी बीएड एग्जाम 2020 कोरोना पॉजिटिव भी देने आए थे परीक्षा, स्थिति भयावह। लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कराई गई परीक्षा में एक कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। लखनऊ के ऐशबाग स्थित डीएवी कॉलेज में परीक्षा देने अभ्यर्थी की बात सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही है। हालांकि अब उसने अपना अकाउंट निष्क्रिय कर लिया है। वेदांक सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूपी पुलिस सहित अन्य लोगों से तत्काल में जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने 9 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि एक ओम नाम का व्यक्ति 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। यह परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए आज परीक्षा देने के लिए डीएवी कॉलेज आया। वेदांत ने कहा कि जो व्यक्ति इस सेंटर पर परीक्षा देने के लिए आए हैं उन्हें तत्काल में क्वारंटीन कर लेना चाहिए। इसकी असल वजह है कि अभ्यर्थियों को बहुत दिनों के बाद ही मौका मिला। ऐसे ही परीक्षार्थी अपने साथ ही दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अब ऐसे ही 16 अगस्त को बीईओ एग्जाम की परीक्षा आयोजित होनी है, उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या इस कोरोना काल में लोगों की जान बचाना जरूरी है या फिर परीक्षा कराना जरूरी है? बीएड प्रवेश परीक्षा में बरेली के एक कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अभ्यर्थी के शरीर का तापमान 100 के पार हो गया। यही नहीं, उसे उल्टी होने लगी और उसकी हालात बहुत ही खराब हो गई। इसकी जानकारी होते ही तत्काल उसे कक्ष से बाहर परीक्षा दिलाई गई। स्कूल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पहली पाली के दौरान थर्मल स्कैनिंग के सभी तापमान सामान्य रहा। परीक्षा शुरू हुई तो यहाँ पर एक क्लास में युवक की तबीयत खराब हो गई। तापमान चेक किया तो वह करीब 102 डिग्री मिला, जिसके बाद कक्ष में बैठे सभी अभ्यर्थी और ड्यूटी कर स्टाफ दहशत में आ गए। संदिग्ध को तत्काल कक्ष से बाहर बैठाकर परीक्षा की व्यवस्था करेगी। परीक्षा के खत्म होते ही संदिग्ध परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गया और स्वास्थ्य विभाग को सैंपलिंग के लिए कॉलेज बुलाया गया। लेकिन अभ्यर्थी दूसरी पाली में परीक्षा देने ही नहीं आए। दावा किया जा रहा है कि विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का थर्मल स्कैनिंग से तापमान नापा गया। उस अभ्यर्थियों का भी अभी तक एंटीजन किट से जांच न होने पाने की वजह से सब में दहशत व्याप्त है। अब सवाल उठ रहा है कि दहशत कहे या कॉलेज प्रशासन की अनदेखी। संदिग्ध संक्रमित अभ्यर्थी बाहर चला गया। कॉलेज के एक शिक्षक ने आशंका जताई कि अगर वह पॉजिटिव हुआ तो 2 घंटे तक कक्ष में होने से संबंधित स्टाफ और क्लास में दे रहे 29 अभ्यर्थियों को भी संक्रमित हो चुका होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंटर पर मौजूद विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके।